तो इस समय आपको दिखाई दे रहा है मेरे सामने एक पार्सल, और ये आया हुआ है इलेक्ट्रॉनिक स्पाइसेस डॉट कॉम से। ये ऑनलाइन मंगवाया है, आप भी मंगवा सकते हैं। तो जैसे कि आप पैकिंग देख रहे हैं कि पैकिंग बहुत अच्छी है, डब्बे में अच्छी तरीके से पैक हो करके आइटम्स मिले हैं। और हालांकि इसके अंदर कोई अंदर थर्माकोल वगैरह कुछ नहीं थी, लेकिन ये है कि ये आया कुरियर से था, तो सब चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से हमें मिल गई हैं। तो अब आइए देख लेते हैं कि इसके अंदर क्या क्या मिलता है। और सबसे पहले दिखता है हमें ये बिल, इसमें सब आइटम की डिटेल्स लिखी हुई है। और इसमें हम देखेंगे तो हमें मिलता है सबसे पहले एक ये सेट्रॉन कंपनी का बेस ट्रेवल बोर्ड। ये सेट्रॉन कंपनी का बेस ट्रेवल बोर्ड है, और इसको हम निकालते हैं बाहर। और इसमें बेस और ट्रेवल कंट्रोल करने के लिए यहीं पर एक प्रीसेट दिए हुए हैं, बाकी अगर आप इसको चाहें तो यहाँ से हटा करके और वो वॉल्यूम वाला भी लगा सकते हैं, ठीक है, वो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसकी साउंड क्वालिटी काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, मैं चेक करूँगा तब आपको बताऊँगा। तो ऐसे हमारे पास आए हैं 5 पीस, और ये है सेट्रॉन। मैं आपको एक पीस खोल करके भी दिखा देता हूँ। तो ये है सेट्रॉन कंपनी का बोर्ड, और जैसा कि आप देख रहे हैं बिल्कुल ब्रांड न्यू है, ये एकदम फर्स्ट क्लास, सेकेंड हैंड बिल्कुल नहीं है, एकदम ब्रांड न्यू बोर्ड ये है। और यहाँ पर कनेक्शन डिटेल्स के बारे में अगर हम बताएं आपको तो ज़्यादा कोई मुश्किल बात नहीं है। ये जो येलो वाली वायर है दो, ये इनपुट हो गई, दो वाइट वाली वायर आउटपुट हो गई लेफ्ट और राइट चैनल की। और ये जो दो वायर हैं ये दो अपनी DC 12 वोल्ट का पॉजिटिव हो गया लाल वाला और नेगेटिव हो गया काला वाला, बस ज़्यादा कोई खास प्रॉब्लम नहीं है इसके कनेक्शंस में। तो एक ये आ गया बोर्ड, और ऐसे हमारे पास 5 बोर्ड हैं, और ये मैंने अपने लिए ही मंगवाए हैं, आप भी मंगवा सकते हैं electronicspices.com से। उसके बाद मिलता है हमें ये सेट्रॉन का ये पावर एम्पलीफायर का बोर्ड, जो कि बहुत ही अच्छी क्वालिटी का मुझे दिख रहा है। और ये आप देखिए, ये है पावर एम्पलीफायर बोर्ड सेट्रॉन कंपनी, और ये DC 5 वोल्ट भी जनरेट करता है, क्योंकि इसमें 7805 नंबर की IC लगी हुई है। और इस बोर्ड की सबसे अच्छी बात एक ये है कि ये 100 वाट का बोर्ड है, और 4440 दो IC लगी हैं इसमें। USB बोर्ड लिखा है, क्योंकि ये USB से भी चल जाता है, मतलब जो हमारा ब्लूटूथ वाला पैनल है उससे। हालांकि तार बहुत सारी हैं इसमें, तो देख करके लगता है कि पता नहीं कनेक्शन कैसे कैसे होंगे, लेकिन ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है, इजी है, आराम से हो जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें, ठीक है। तो ये सेट्रॉन कंपनी का ये बोर्ड है, और इस बोर्ड में बेस ट्रेवल इनबिल्ट रहती है, इसके लिए अलग से बेस ट्रेवल लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारे कनेक्शन हैं बेस वाले, ये ट्रेवल वाले, ये बस खाली इसमें एक वॉल्यूम नॉब लगानी पड़ेगी, और बाकी फिर ये एकदम चालू बोर्ड है, कोई दिक्कत, और बिल्कुल नया बोर्ड आप देख रहे हैं, बहुत अच्छी कंडीशन में, बिल्कुल ब्रांड न्यू। और उसके बाद मिलता है फिर हमें ये कुछ और आइटम्स हैं इसके अंदर, ये मैंने आपको BT बोर्ड बता ही दिया, इन सबको मैं करता हूँ एक तरफ। और ये हमने मंगवाए हैं कुछ कनेक्टर। तो जैसा आपको पता होगा कि पुराने वाले डेको में और जो एम्पलीफायर होते थे, तो उसके पीछे जो 12 वोल्ट DC इनपुट के लिए एक सॉकेट होता है, तो उस सॉकेट का ये मेल वाला पार्ट है, यहाँ पे आप आराम से इसको इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये रहे ये ऐसे 5 हैं मेरे पास, और ये तो आपको पता ही है ये स्पीकर आउटपुट के लिए कनेक्टर हैं। और ये है हमारा मेल, ये फीमेल प्लग है, जो कि हमारा 12 वोल्ट का एक जो मेल प्लग आता है उसका फीमेल है ये। और इसके अलावा बस लास्ट में मिलता है हमें ये वाला, ये दोनों मेल फीमेल प्लग हैं, और इसके साथ में वायर भी लगी हुई है। तो ये आप देख रहे हैं ये मेल है और ये फीमेल है, ये कनेक्शन करने के लिए इजी रहता है, बार बार जहाँ आपको कनेक्शन बार बार कर हटाने पड़ रहे हैं, जोड़ने पड़ रहे हैं, तो उस जगह के लिए मैंने मंगवाए हैं ये। आराम से यहाँ पे वायर जोड़िए, और जब चाहे तब इसको अटैच कीजिए, और जब चाहे तब इसको हटा लीजिए, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये थे कुछ 4-5 तरीके के आइटम्स, और इसमें जो हमारा बेस ट्रेवल बोर्ड है, इसकी साउंड टेस्टिंग मैं आपको देता हूँ थोड़ी देर में, क्योंकि मुझे बेस ट्रेवल की अभी ज़रूरत है, तो उसको मैं अभी चेक कर लूँगा। और ये वाला जो बोर्ड है, तो
तो इसकी भी वायरिंग करके आपको दिखाएंगे, पर उसमें थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि इसको पूरा कैबिनेट में फिट करके और तभी हम जो है इसको चेक कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो फिर मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।